जी गंगा सप्तमी किस तारीख को है और क्या योग बन रहा है गंगा सप्तमी के दिन, महत्व क्या है गंगा सप्तमी का? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा अवतरण दिवस है। वैशाख शुक्ल सप्तमी इस वर्ष जो है 14 मई को पड़ रहा है, 14 मई मंगलवार। गंगा भगीरथ जी ने पृथ्वी पर लाए थे, तो गंगा अवतरण के दिन गंगा जयंती कहें, गंगा सप्तमी कहें। और गंगा की पूजा का बहुत अच्छा दिन है। यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो गंगा सप्तमी का व्रत करके गंगा में स्नान करें और गंगा का संध्या पूजन करें। गंगा की पूजा जो होती है वह मध्याह्न काल में होती है, इसलिए गंगा की पूजा जो है और मध्याह्न काल में करके संध्या आरती करें उस दिन। ऐसा इस बार बहुत दिनों के बाद संयोग लग रहा है कि मंगलवार को पुष्या नक्षत्र है, सप्तमी तिथि और सर्वार्थ सिद्धि होती है, इसलिए ऐसे संयोग में बहुत दिनों में मिलता है। मंगलवार को पुष्या तिथि और सप्तमी, गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मोक्ष यदि आप पाना चाहते हैं तो उस दिन व्रत करके, अखंड सौभाग्य चाहते हैं तो सौभाग्यवती स्त्रियां उस दिन व्रत करके गंगा का पूजन करें तो अखंड सौभाग्यवती होगी।